हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज पार्ट 51 में टॉप 16 पर्सनल पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पुराने वीडियोज को देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्विज रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके देना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव इज गिवन टू ए मेल रेलवे एम्प्लॉय, अर्थात पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 17 दिन और ऑप्शन डी 18 दिन। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज होता चले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, 15 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इज गिवेन टू ए वुमेन रेलवे एम्प्लॉय, अर्थात महिला रेल कर्मचारी को कितने दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 180 दिन, ऑप्शन बी 160 दिन, ऑप्शन सी 140 दिन और ऑप्शन डी 120 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 180 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हाउ मच इज द एलएपी गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय पर ईयर, अर्थात रेल कर्मचारी को कितने दिन का औसत वेतन अवकाश प्रति वर्ष दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन या ऑप्शन डी 20 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। जनवरी में 15 दिन दिया जाता है और जुलाई में 15 दिन, कुल मिला के 30 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एलएपी कैन बी डिवोटेड बाय द रेलवे एम्प्लॉय इन द इंटायर सर्विस, अर्थात रेल कर्मचारी कितने दिन का औसत वेतन अवकाश जमा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 300 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन या ऑप्शन डी 200 दिन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 300 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लीव नॉट ड्यू बी गिवन टू द रेलवे एम्प्लॉई एट द पैलेस ऑफ विच लीव, अर्थात रेल कर्मचारी को अनर्जित अवकाश किस अवकाश की जगह पर दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए एलएपी, ऑप्शन बी एचएलएपी और ऑप्शन सी सीएल या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक नए हमारे चैनल पर आए हैं वे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलएपी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, एवरेज पे लीव्स टू रेलवे एम्प्लॉय कैन बी गिवन एट वंस, अर्थात रेल कर्मचारियों को कितने दिन का औसत वेतन एक बार में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 300 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन या फिर ऑप्शन डी 200 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
व्हेन इज द SF5 इज इश्यूड टू ए रेलवे एम्प्लाई, अर्थात रेल कर्मचारी को SF5 कब जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी, ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी के बदले दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज द SF11 इश्यूड टू रेलवे एम्प्लाई, अर्थात रेल कर्मचारी को SF11 कब जारी की जाती है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी, ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइनर पेनल्टी, अर्थात मामूली पेनल्टी के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द SF1 इशूड टू रेलवे एम्प्लाई, रेल कर्मचारी को SF1 कब जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी, ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी, ऑप्शन सी सस्पेंशन या फिर ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों अगर आप सभी को इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन, अर्थात निलंबन के समय में जारी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हेन इज द SF2 इशूड टू रेलवे एम्प्लाई, अर्थात रेल कर्मचारी को SF2 कब जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी के लिए, ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी के लिए, ऑप्शन सी डिमिट सस्पेंशन के लिए या फिर ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेजर पेनल्टी, जो कि एक बहुत बड़ा दंड होता है या फिर प्रमुख दंड भी कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी सेट सुविधा पास फॉर द ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पर ईयर, अर्थात ग्रुप ए व बी अधिकारी प्रतिवर्ष कितने सेट सुविधा पास के पात्र हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, व्हेन इज द SF4 इशूड टू रेलवे एम्प्लाई, अर्थात रेल कर्मचारी को SF4 कब जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेजर पेनल्टी के लिए, ऑप्शन बी रिवोकेशन के लिए, ऑप्शन सी सस्पेंशन के लिए और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिवोकेशन, अर्थात निरसन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सुविधा पास कलर इशूड टू द ऑफिसर, अर्थात अधिकारी को जारी किया जाने वाला सुविधा पास का रंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वाइट, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी येलो और ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्हाइट, सफ़ेद रंग का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एट द जोनल लेवल हु इज इन द चेयरमैन ऑफ द परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, अर्थात जोनल स्तर पर कौन आई वार्ता तंत्र के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीएम, ऑप्शन बी
AGM, ऑप्शन सी मेंबर स्टाफ या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AGM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। एट द रेलवे बोर्ड लेवल हु इज इन द चेयरमैन ऑफ द परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, अर्थात रेलवे बोर्ड स्तर पर कौन वार्ता तंत्र के चेयरमैन होते हैं, रेलवे बोर्ड स्तर पर पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए AGM, ऑप्शन बी GM, ऑप्शन सी मेंबर स्टाफ, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेंबर स्टाफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज एक्ट हाउ मेनी आवर्स वर्क इज रिकमेंडेड फॉर द रेलवे स्टाफ इन वन डे, अर्थात रेल कर्मचारी को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार एक दिन कितने घंटे से अधिक कार्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में क्विज ऑफ द डे, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है फेरी क्वीन, ऑप्शन बी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन सी पैलेस ऑन व्हील्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके उत्तर का कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू आप सभी फ्रेंड्स का हमसे जुड़ने के लिए।